लिए ईद स्पेशल सिर्फ कुरमा बनाने के लिए जो बर्तन में हम बनाएंगे उसको मैंने स्टरिलाइज कर लिया है, गर्म पानी से एकदम अच्छे से साफ कर लिया है ताकि दूध का फटने का बिगड़ने का डर ना रहे। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको स्टरिलाइज कर लिया है। अभी पानी निकाल दूंगा मैं और कढ़ाई गर्म करने के बाद इसमें 1 लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे 3 अक्खी इलायची और 4 से 5 इलायची का मैंने पाउडर बना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको धीरे धीरे हम कुक होने देंगे। चलिए दूध हमारा अच्छे से पकता है तब तक यहाँ में 2-3 टेबलस्पून जो है प्योर देसी घी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले उसमें डालेंगे 30 ग्राम्स आलमंड्स बादाम, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 30 से 35 ग्राम मैंने काजू ले लिए है, ये डाल दूंगा। पिस्ताचियो डाल दूंगा मैं, वो भी मैंने 35 से 40 ग्राम लिया हुआ है। चारोली डालूंगा मैं इसमें उतना ही अमाउंट, 30 से 35 ग्राम या ऑलमोस्ट 150 ग्राम के करीब करीब ड्राई फ्रूट्स हमें डालना है, आप 200 ग्राम तक भी डाल सकते हैं। उसमें एक बाउल वर्मीसेली डाल देंगे, सेव सिर्फ कुरमा का स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। ये 6 से 7 मिनट लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है, गैस यहाँ तुरंत बंद कर देंगे। और इसमें एक चीज है जो मिसिंग है, वो किशमिश आप ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं। चलिए इसको चेंज कर लेंगे। चलिए ये दूध में हम डाल देंगे, कुरमा हमारा ईद स्पेशल, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और लगभग आधी क्वांटिटी तक हम इसको कुक करेंगे। चलिए 3-4 मिनट इसको कुक होने देते हैं। चलिए 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ मैंने केसर ले लिए, शुद्ध केसर, बिना केसर के सेव कुरमा कहाँ से बनता है। तो आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, सेफ्रॉन थ्रेड्स। और यहाँ पे ले लूँगा मैं 100 ग्राम शुगर लिया है मैंने, शुगर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 80 ग्राम से 150 ग्राम तक आप ऐड कीजिए। और 4 से 5 टेबलस्पून में कोकोनट ले रहा हूँ मैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो डालिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ले लिया है, बहुत अच्छे से पक चुकी है हमारी ये सीर खुरमा। और यहाँ मैंने 7 से 8 अच्छी वाली खजूर डेटस का पल्प बना लिया है, सिंपली भिगा के उसका मिक्सचर में पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप जो है शुगर थोड़ा कम ही डालिए। छः 7 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। फ्रेंड्स ये क्वांटिटी लगभग आधी हो चुकी है हमारे सीरपुर में, तो ये हमें थोड़ा सा रूह अफजा ले लूँगा, ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो आप डालिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। चला लेंगे एक बार, मिक्स कर लेंगे और तैयार है हमारा ईद स्पेशल शीर खुरमा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गैस कर देंगे एक बाउल में, एकदम यम्मी डिलीशियस तैयार है हमारा शीर खुरमा।